हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है इस व्लॉग में। तो अभी जो बज रहे हैं वो बज रहे हैं सुबह के 6। तो व्लॉग शुरू होने से पहले मुझे एक बात जो थी आपसे शेयर करनी थी। तो जो न्यूज़ है वो काफ़ी सैड है। तो कल मैं ऐसी जो नेट पे था, सर्फिंग कर रहा था, तो एक न्यूज़ आई कि एक 14 ईयर बॉय ने एक 11 ईयर गर्ल का रेप किया। तो ये बात जो है काफ़ी मुझे बॉदर कर रही थी और काफ़ी शॉकिंग भी लगी। तो मैंने सोचा वी एज ए यूथ जो इंस्पायर करते हैं अपकमिंग जनरेशन के लिए, तो हमें इस टॉपिक पे जो है वो बात करनी चाहिए। तो मुझे यही कहना था कि बॉयज़, इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू लर्न टू रिस्पेक्ट वुमन। और पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेक श्योर करिए कि जो आपकी किड्स हैं आप उनको द बेस्ट पॉसिबल वे में रेज करें एंड उन्हें आप सिखाइए कि वो वुमन के रिस्पेक्ट करें और उन्हें ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जैसे ट्रीट ना करें। बस यही कहना चाहता था। तो आज की जो जर्नी है, चलिए अब शुरू करते हैं। हे गाइस, व्लॉग हो रहा है भाई, से हाय टू माय व्लॉग। हाय गाइस। हाय गाइस। तो गाइस, ये मेरे दो दोस्त हैं, ये राहुल है और इनका नाम है स्वप्निल। तो ये मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं। तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं करनाला फोर्ट पे। तो चलिए। तो गाइस, हम करनाला बर्ड सेंचुरी के बाहर आके रुके हैं। तो वी हैव अ बैड न्यूज फॉर यू, जो कल करनाला बर्ड सेंचुरी है वो बंद है और हमारी जो रात भर की मेहनत थी और हमने जो सुबह उठा वो पूरा वेन हो गया। ऑल थैंक्स टू गूगल, गूगल आंटी सक्स। गूगल पे दिखा रहा था कि करनाला बर्ड सेंचुरी जो है वो ओपन है, तो ये फेक न्यूज है जो गूगल फैला रहा है। तो इससे आप अवेयर रहे और अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से बाहर मत निकलिए। गाइस, करनाला बर्ड सेंचुरी जो है वो बंद है, तो लॉकडाउन पीरियड के बाद से बंद है, तो आप यहाँ मत आइए। तो गाइस, सडन चेंज ऑफ प्लान्स, हम जाने वाले थे करनाला फोर्ट जो कि गूगल पे दिखा रहा था कि वो ओपन है, पर हम जब वहाँ गए तो वो बंद था, तो काफी डिसअपॉइंटिंग था। तो हमने जो है वो होप नहीं हारा, तो हम अब जा रहे हैं प्रबलगढ़। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो राहुल, तो आपको कैसा लग रहा है डिसअपॉइंटमेंट के बाद, और अभी हम जो प्रबलगढ़ की ट्रेकिंग कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को सोचने तो दे कैसा फील हो रहा है। बहुत ऐसा सीनिक लग रहा है। तो गाइस, हाउ इज द जोश? हाय सर। व्हाट अबाउट यू राहुल? हाय सर। हॅलो, कुठून आले तुम्ही? आम्ही नेरीतून आलो। हो, कसं वाटतं तुम्हाला इकडे? हो, व्यवस्थित, उत्तम। हो, खूप चांगलं आहे, एकदम उत्तम आहे। हो हो,
अजून मग कुठे जाणार तुम्ही? कलावंती की प्रबलगड? कलावंती. ओके काका, मग भेटू आपण वरती चला. थँक्यू. राहुल कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा? बोल कैसा था एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस करना है. और व्हाट अबाउट यू? गुड था. और तुम्हारा? गलती ये हुई कि सनराइज होने के बाद हम लोग आए 10 के बाद. और हमारा प्लान था कर्नाला बर्ड सेंचुरी जाने का, जो कि ओपन नहीं था, पर गूगल पे दिखा रहा था कि गूगल आंटी बोल रहे थे ओपन है, अब जाओ जाओ, पर ऑफिसर बोल रहा है कि नहीं नहीं बंद है लॉकडाउन. ने बीच में दो लोगों को भी पूछा कि आप क्यों आए यहाँ पे, वो बोल रहे थे हमको लोनावाला जाना है, बट नीचे से नहीं दिख रहे इसलिए ऊपर जाके लोनावाला देखने आए थे. फैक्ट फैक्ट का मैप बनाने आए थे ऊपर. फैक्ट टू बी रिमेम्बर्ड गाइस. गूगल आंटी बहुत झूठ बोल रही है वही. और कलावंती आने के लिए हमें गूगल मैप पे दो बार घुमाया सेम रोड पे. फिर हम गए थे एक विलेज में, वहाँ एक बंदा पढ़ाई कर रहा था और वो तो मेरे को भाव ही नहीं रहता था. तो थोड़े तो लोग जो है वो फ्रेंडली है और थोड़े अनफ्रेंडली है. तो फ्रेंडली लोग सारे टिंडर वाले फ्रेंडली. कूल मैन. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. तो ये काफी थक चुके हैं इतने ट्रैक करने के बाद और ये लोग कह रहे हैं कि मैं हम ऊपर नहीं जाने वाले. तो यहाँ हमको ये तो हमको ये जो व्लॉग है यही खत्म करना पड़ेगा और यही से हमारा डिसेंडिंग होने वाला. आप जाना. आगे का जो वीडियो है आप खुद दिखा. वही आगे का जो वीडियो है आप खुद इमेजिन कर लीजिए. और अगली बार ये तो आप शूट करिए और मेरे को भेज दीजिए, मैं एडिट करके डाल दूंगा यूट्यूब पे. अभी के लिए टोनी कंटिन्यू. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जस्ट स्टे अलाइव. या तो गाइस जो ट्रैकिंग था हमें प्रबलगढ़ का वहीं अबॉर्ट करना पड़ा. ऐसा क्यों था? क्योंकि जो हमारा प्लान था कर्नाला बर्ड सेंचुरी जाने का, पर कर्नाला बर्ड सेंचुरी था जो बंद है पेंडेमिक की वजह से सिंस मार्च, तब से वो एक बार भी नहीं खुला है. तो हमें वहाँ का जो प्लान था वो कैंसिल करना पड़ा. तो हमने सोचा हम जाते हैं प्रबलगढ़, पर प्रबलगढ़ जाते जाते धूप इतना हार्श हो गया था कि हमें बहुत डिहाइड्रेट कर रहा था. तो इस वजह से जो है हमें वो प्लान अबॉर्ट करना पड़ा. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम आप जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए प्रबलगढ़ या कलावंती या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो जो आइडियल टाइम होगा सुबह निकलने के लिए वो होगा अराउंड 6 to 6:30 इन द मॉर्निंग. तो ये टाइम काफ़ी कन्वीनियंट होता है ट्रैकिंग के लिए. तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. So make sure to like, subscribe and comment. So see you in the next video. Till then, take care, goodbye, stay safe and stay healthy.